अब इन लोगों को दावत दी जाती है, कहा जाता है अल्लाह ताला के उतारे हुए कवानीन, जवाबित, अहकाम, अकायदो आमाल की इत्तेबा करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के राह आ जाओ, सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू करो। तो वो लोग कहते हैं बल नत्तबे अल्फैना अलैहि आबाना, हम तो दावेदारी करते रहेंगे उस बात की जिस बात पर हमने अपने बाप दादों को पाया। वो अकीदे व आमाल और वो रवैये से जिंदगी जो हमारे बाप दादे अपना के गए हैं और हमको वो तरीके तरीसन मिले हैं, अकीदे विरासतन मिले हैं, आमाल विरासतन मिले हैं, हम वहीं पर कार बन रहेंगे। अब दावत देने वाले अंबिया रसूल की बात अपना कुरान ने नहीं सुनी, अपने बाप दादों के तरीकों और ख्यालात पे चलते रहे। अल्लाह फरमाते हैं अवलौकाना आबाउहुम ला याकिलूना शैया, अगर से उनके बाप दादों की हैसियत ऐसी थी कि वो सफ़े हस्ती में अकलमंदों के खाते से भी निकल चुके थे, वला याकिलून, और वो हिदायत भी नहीं पा सकते। जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात इस्तेमाल करके तदब्बुर सोच तफक्कुर से खाली होकर अपने अकल समझ की मुहात आबाओ अजदाद के रास्ते पे लगा देता है, तो ऐसे इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों के खाते से निकालकर उन्हें हैवानों में दाखिल फरमाते हैं। इशारा फरमाया खुदा ये आबाओ अजदाद की तकलीफ में लगे हुए लोग अल्लाह की बातों में तदब्बुर तफक्कुर से खाली, इससे कहानियों पे अपने अजहानों बयान को खुश करने वाले लोग, अल्लाह फरमाते ये तो जानवर हैं और जानवरों से भी कहीं बदतर हैं। जानवर भी कुछ ऐसा शऊर रखते हैं कि पहले खाने से वो चीज को सूंघते हैं, अगर वो आग हो गाय नहीं खाएगी उसको, वो सूंघ लेती है पहले। अगर वो बदमजा चीज हो, बदगाका हो, उसे तभी तौर पर पसंद ना आए तो वो नहीं खाती, और उसकी तबीयत के खिलाफ कोई चीज हो उसके करीब वो जानवर नहीं जाता। लेकिन इंसान की तबीयत, मिजाज और इंसान के रूह और रूहानियत के अगर एक चीज खिलाफ है तो भी इंसान उस पर डरा रहता है, बचित मुश्किल रहता है, और वो समझता भी नहीं, दूसरे को समझने के राह पे लगने भी नहीं देता। अल्लाह फरमाते बच्चे आबाओ अजदादों के बेअकल थे और हिदायत याफ्ता भी नहीं थे, तो हम भी उन्होंने कहा हम अपने बाप दादों के राह पर काम कर रहे हैं, हम तुम्हारी सुनने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने ये बात एक जगह में नहीं, अल्लाह ने कुरान में कई जगहों में ये बात जिक्र की है, और उन लोगों ने कहा इन्ना वजदना आबा पर पाया, वो भी एक मजहब की परस्तिश करते थे और वो भी एक दीन पर थे, वे दीन कोई नहीं थे। वइन्ना अला आसारिहिम मुहतदून, हम उनके नक्शे कदम पे हिदायत पाने वाले हैं, हम उनके नक्शे कदम पे चलेंगे तब तो हमें हिदायत मिलेगी। वो हमारे बुजुर्ग थे और वो हमारे पेशवा थे और वो हमारे मुक्तदा थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कज़ालिका मा अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीर, ये प्यारे नबी इसी तरह हमने जिस बस्ती में भी कोई पैगंबर भेजा आप उस बस्ती के बड़े लोगों ने, वडेरों ने, अस
बादशाह बेदौलत ने सरबत ने जिनके पीछे लोग लगे हुए थे उन बलेरों ने उन मुलाओं ने पीरों ने कहा काला मुद्रा सूबा इन्ना वजदना आबाना अला उम्मतिन। अरे तुम तो नई नई बातें करने के लिए यहाँ आए हो, अजीब अजीब बातें करते हो, हमने तो अपने बाप दादू को पाया एक दीन पर। वइन्ना अला आसारिहिम मुक्तदून, हम उनके नक्शे कदम की इक्तदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह के प्यारे पैगंबरों ने उन्हें कहा काला अगर जे तुम बे आदा मिम्मा बजत तुम अलैहि आबाकुम। हर पैगंबर ने अपने जमाने में कहा अगर मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाऊं जो तुम्हारे पास दादे के तरीकों से ज्यादा बेहतर हो और हिदायत की बात हो तब भी तुम उनकी तकलीफ में डटे रहोगे। तो उन्होंने कहा देख हम अपने बाप दादू से बड़ा किसी को समझते नहीं, न हम उन जैसा अकलमंद किसी को जानते हैं, न हम उन जैसा समझदार किसी को समझते हैं। वो तो अपने जमाने में बड़े समझदार थे, बड़े मुत्तकी थे, बड़े परहेजगार थे, वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, लोग उनकी ताबेदारी करते थे, उनके पांवों पे हाथ रखते थे, इंसानियत उनके कदमों पे झुक रही है और उनके ख्याल को लगभग कह रही है, वो तो बहुत बड़े लोग थे। और तुम तो इस वक्त में आए हो, तुम्हारी तो बात भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और सुन लो कालू इन्ना बिमा उर्सिल तुम भी काफिरून, साफ अंबिया को कह दिया जो पैगाम तुम लाए हो हम उनका इनकार करते, हम नहीं मानते। उन्होंने कहा अल्लाह का पैगाम है, उन्होंने कहा नहीं, जो भी चीज तुम लाए हो हम काफिर हैं, उसके साथ हम इनकार करते, हम नहीं मानते। अल्लाह ने कहा फंतकमना मिनहुम, आखिर में हमने ऐसी काफिर कौम से इंतकाम लिया, फंजुर कैफा काना आकिबतुल मुकज्जिबीन, और तो फरमाइए उन झुठलाने वालों का आखिरी अंजाम क्या हुआ। अल्लाह ने कुल इज्जत दुनिया में जालिमों को काज़िबों को झूठों को धोखाबाजों को दगाबाजों को नीली रस्सी दे देते हैं और उन्हें चलने देते हैं। अल्लाह फरमाते हैं या मुत्तुम फी तुगयानिहिम या महून, अल्लाह पाक उन्हें नीली रस्सी दे देते हैं और उन्हें चलने देते हैं और वो अपनी सरकशी में मस्त रस्तों पर जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन आखिर में नतीजतन अल्लाह उन्हें पकड़ते हैं, उनसे इंतकाम लेते हैं, उन्हें तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं और वो अपना टाइम जिंदगी का गुजार लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया उन लोगों की जिंदगी इस तरह गुजरती रही, वैदा तुतला अलैहिम आयातुना बैना, जब मौलाए कायनात के वादे दलायल उन पर पड़े जा रहे थे, आकामात उनको बताए जा रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौहीद की दावत उन्हें दी, अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन्हें बात सुनाई कि या कौम अबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरु, ए मेरी कौम अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, आजजी के लायक कोई नहीं है, मगर जिस कौम के अजहान पर आबादी तकलीफ, बाप दादों की तकलीफ, अकाबिर की तकलीफ, बुजुर्गों की तकलीफ और जिन लोगों पर सादात की तकलीफ और ताहूत की खयालात सवार हों, वो कब सुनते हैं किसी की बात, वो तो हम यहां के बात भी नहीं सुनते थे। उन्होंने कहा माजा इल्ला रजुल युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना याबुदु आबा, ये भी एक जवान है, इंसान है, बंदा है, भटका हुआ है, यूही तो अय्या सुद्दकुम, ये चाहता है तुमको रोके, अम्मा काना याबुदु आबाउकुम, उन माबूदों से जिन माबूदों की तुम्हारे बाप दादे इबादत किया करते थे, उनके सामने आजजी करते थे, नजर न्याज देते थे, झुक झुका करते थे, माथे उनकी न्याज में जमीन पे रख दिया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया उन लोगों ने कहा वो लोगों बच जाओ इस जवान से, ये रोकना चाहता है तुमको अपने बाप दादों के राह से। इल्ला इफ्कुम मुफ्तरा, जो बात भी ये करता है वो झूठी होती है,
उन पर जादू कर लिया। और ये जो कुछ कहता है हकीकत में अल्लाह का कलाम नहीं, ये जादू है वाज़े, सच को जादू कहने लगे। क्योंकि सच्ची बात को भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कबूल करते हैं, मानते हैं, सोचते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लक मिन नज़ीर। ये प्यारे पैगंबर जिन्होंने ये बात कहना शुरू की है, हक को जादू कहना शुरू किया और हक को एक मुहतरम और बनाया हुआ झूठ कह रहे हैं, हकीकत बात यह है कि हमने इनकी जाने कोई किताबें नहीं भेजी जिनको ये पढ़ते हो। आपसे पहले इस अकवाम में कोई रसूल भी नहीं आया। ये अनपढ़ कौम, जाहिल कौम, इनमें रसूल भी पहले कोई नहीं आया। और इनके दिल में, दिमाग में ये बात बहुत कम बैठे, क्योंकि मुद्दों से जो काम छुटा हुआ हो और उसके खिलाफ बड़ी मेहनत हुई हो तो बाद में बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, और उसे कोई कोई समझता है, सारे नहीं समझ पाते। जब उन्हें दावत दी गई और लोगों अल्लाह के काम की जाने अल्लाह की किताब की जाने और रसूल की जाने आ जाओ, बात को समझो। उन्होंने कहा सुना मा बजना अलैहि आबाना, हमें तो काफी है वो दीन मजहब और तरीके का जिस पर हमने अपने आबा अजदाद को पाया। अल्लाह फरमाते हैं अवलम कान आबाउहुम ला यालमून शैया, कोई इल्म नहीं रखते थे, वला या तनून, हिदायत याफ्त भी नहीं थे, तभी वो लोग अपने बाप दादों की रविश पर जलने के लिए मुसम्मम इरादा रखे हुए थे और वो जलते रहे। नबियों की बात नहीं मानी, अल्लाह की बात नहीं मानी, जरा भर भी उसमें तदब्बुर तफक्कुर सोचा ही नहीं। जनाब हूद पैगंबर ने जब पैगाम पेश किया तो कौम ने रद्दे अमल जो दिया है उसको कुरान ने जिक्र किया। हूद को कहने लगे अचेतना लेना बुदल्ला वादा, अरे तू ऐसा पैगाम लाया है जो हम एक अल्लाह की इबादत करना शुरू करें। वनजर मा काना याबुद आबाउना, हम अपने बाप दादों के तरीकेकार को छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। फातिना बिमाता भूत, अगर तू सच्चा है जो अजाब तोड़ सकता है हम पर तोड़ दे, हम नहीं छोड़ेंगे अपने बाप दादे के राह और उनकी तकलीफ को नहीं छोड़ेंगे। नतीजा कौमे भूत बर्बाद हुई, तबाह हुई, और कुरैश मक्का के बड़े बड़े सनादी अनासिर अकलमान नहीं जो अपने आप को कहलाते थे और वो अपने बाप दादे के राहों पर चलते चलते मर गए, बात नहीं मानी। और ये बीमारी बहुत बड़ी मोहलिक गंदी मत थी, अल्लाह ने इसका बार बार तस्करा किया। अल्लाह फरमाते अल्लाह ने जहन्नम उनके लिए तैयार कर रखी है, खालिदीन फीहा अबदा, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यजदूना वलिया वला नसीरा, ना तो कोई उनका दोस्त उन्हें मिलेगा ना कोई मददगार। वो ऐसा क़यामत का दिन मुश्किल भी उन्हें पेश आएगा यौम तुकल्लब वुजूहुम फिन्नार, उनके चेहरों को आग झुलस देगी, जलाएगी, हमलावर होगी। उस वक्त वो कह रहे होंगे यकूलू नया लई तना अतान अल्लाह व अतान रसूल, हमारी बदकिस्मती के हम अल्लाह की बात कर लेते, रसूल की बात कर लेते, उनकी बात मान लेते, शिर्क को छोड़ देते, बिदात को छोड़ देते, रसूमात को छोड़ देते, आबा परस्ती को छोड़ देते, वडेरा परस्ती को छोड़ देते, की बात अल्लाह का पैगाम मान लेते। उस वक्त जहन्नम में कह रहे होंगे कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना, ये हमारे अल्लाह हमसे गलती हुई कि हमने अपने सरदारों की किताबें
आजाद की ताबेदारी की। हमने अपने जमाने के बलेरों की ताबेदारी की। सबीला हमें उन्होंने सीधे राह से भटवा दिया। और कयामत के उस मंजर में जहन्नम के अंदर वो कह रहे होंगे, रब्बना इन पर बड़ी लानत मार दे, लानत मार भाई। इन वदेरों ने हमको बर्बाद किया था, तबाह किया था। और हमें कहते थे हमारे हजरत जी का तरीका ये है, हमारे वडेरों के तरीके ये हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि अल्लाह का पैगाम क्या है, अल्लाह की किताब क्या कहती है, पैगंबर क्या कहता, ये नहीं बताया। आबा परस्ती, वडेरा परस्ती, हालांकि रब्बे कायनात के अंबिया जब ही आए थे उन्होंने एक दावत दी, ये नहीं कहा हमारे पीछे चले आओ। अल्लाह ताला ने उस दावत का तज़किरा बार बार किया। वैज़ा कीला लहुम तबेउ मा अंज़लल्लाह, जब उन्हें कहा जाता है दावेदारी करो उस बात की जो अल्लाह ने उतारी है, अल्लाह के दीन की इत्तेबा करो, तो उन्होंने फट के जवाब दिया, अल्लाह फरमाते हैं कि उनके बाप दादे, उनका दाई इमाम और उनका वडेरा और उनको दावत देने वाला शैतान जहन्नम की दावत उन्हें दे रहा, तो भी उन्होंने कहा हम अपने बाप दादों की दावेदारी करेंगे, पैगंबर की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे। ये तो वो दो चीजें हैं जो मोहलिक इंसानी अजान के लिए अल्लाह ने बताई है, तकलीद आबा, तकलीद सादा तो कबरा। तीसरा नंबर इंसानी अजहान पे मोहलिक बीमारी ताहूत का छा जाना। अल्लाह पाक ने इसका तज़किरा भी कुरान में किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुम ताहूत, काफिरों के दोस्त ताहूत, उनका काम युख्रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात, वो लोगों को निकालते हैं रोशनी से अंधेरों की जगह। पीछे चलने वाले ये सब के सब जहन्नमी हैं और उस जहन्नम में वो हमेशा रहेंगे। अब रब्बे कायनात ने वादे कर दिया कि ताबूत भी एक बीमारी है जो इंसान को तबाह कर देती है। और ये ताबूत हकीकत में उन ख्यालात का नाम है जो इंसानी जहन में छा जाता है। हाँ, उसका असल बुनियाद कोई साले बता हो कोई नबी हो कोई बली हो, लेकिन ख्याल गलत छा गया है। अब अल्लाह का बंदा ईसा इब्ने मरियम, उसने मां की गोद में जो दावत दी थी कुरान ने उसका तज़किरा किया है। जनाब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, लोगो मैं अल्लाह का बंदा हूं, वह आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब इनायत फरमा दी है, मुझे अपना रसूल बनाया, पैगंबर बनाया, मुबारक बनाया, साथ ये भी फरमाया बरम पे वाले तकी मां का फरमा बरदार बनाया मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और साथ फरमाया औसानी बिस्सलात व ज़कात मा दुमतु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मुझे मेरे रब ने नमाज पढ़ने का हुक्म भी दिया, ज़कात अदा करने का हुक्म भी दिया है। अब उसकी हकीकत में दावत ईसा की ये थी। अल्लाह
ईसा इब्ने मरियम को, ईसा तो अच्छा आदमी था, वो अल्लाह का नबी था, लेकिन उनके तागूती ख्याल अकवाम के ज़हन में जो उभर कर आए और बैठ गए और साथ वो राशिद हो गए कि अल्लाह है, और इन्होंने उस काम को अल्लाह की जुबान से काफिर करार दिलाया, काफिर हो गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा काला दिल यहूद ज़हर ने बनुल्ला, यहूदी ने कहा ज़हर अल्लाह का बेटा है, वकाला दिल नसारा मसीह बनुल्ला, ईसाई ने कहा ईसा अलैहि सलाम अल्लाह का बेटा है। अल्लाह पाक ने उन लोगों को भी काफिर करा दिया, ये भी काफिर हो गए। मगर ये ख्यालात का होती तसव्वुरात उनका मंका हकीकत में असल में अच्छा आदमी बनाया गया। वो बंदा अच्छा था, उनकी दावत अच्छी थी अल्लाह का नबी, मगर ताहूती ख्यालात का असल बुनियाद उसको बनाया गया, उसका कोई कसूर नहीं। इस तरह जब कहीं अकवाम बर्बादी की घाट उतरे हैं, अल्लाह के अजाब में अकवाम पड़े हैं, उनका हकीकत में कोई ना कोई असल बुनियाद जरूर। जब मादरियों को फूटे जाने कहती है ये किताब आई है, नहीं, अगर अपनी और दूसरों की तबाही कर डाली। कुछ लोगों का ख्याल हुआ मरियम एक अल्लाह, ईसा अलैहि सलाम दूसरा अल्लाह, तीसरा आप अल्लाह। अल्लाह पाक ने उनके बारे में भी फरमाया लगा था पर अल्लादीना कालू इन्नल्लाह साले सुसलासा, काफिर हुए वो लोग जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को तीन का तीसरा कह दिया। आए दो अल्लाह आने वाले भी काफिर। बुनियाद तो मरियम को बनाया और ईसा को बनाया अपने अकीदे की, मगर ये ख्यालात ताहूती थे जो इंसानी ज़हन में रच गए। और फर्द मोहब्बत में बंदों को अल्लाह बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया, हालांकि वो अल्लाह के मोहताज बंदे थे। और इस तरह ये उम्मत भी तबाही की घाट उतरी। जब इस उम्मत के बडेरों में समझदार लोगों ने उम्मत को जहर पिलाना शुरू किया, वो भी ऐसी ही जहर थी। और सबसे पहले उम्मत में जो तबकाती तौर पर ख्यालात का इंकिसाम हुआ, उसकी बुनियाद कुरान नहीं। कुरान तो क्यामत तक हिदायत वाली किताब, वो ताहूती ख्याल। दूसरा आबा का मोहब्बत और आबा की तकलीफ, काम को उन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, और उस तबाही पर आज तक किसी को सोचने की तौफीक नहीं हुई। ये उम्मत क्यों बर्बाद हुई, तबाही के असबाब क्या? और हर बंदा अपने जमीर, अपने मालूमात और अपने फिरके के अकाबिर की तकलीफ पर खुश है कि हम हिदायत पर, और असबाब नहीं सोचे कि आया कि तबाही के असबाब आसमानी है या जमीन पे ये बीमारियां पैदा हुई। किसी आसमानी दीन में कोई इशारा नहीं था कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसा अल्लाह का बेटा है, मरियम अल्लाह है या ईसा अल्लाह है, किसी आसमानी किताब में कोई इशारा नहीं। इस फसाद की बुनियाद जमीन पर पाए रब्बे कायनात ने साफ बताया। कुछ लोग ऐसे भी हैं इत्तखज़ू आबारहुम व रुबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, जमाने के पीरों को और मजहबी रहनुमाओं को, मुर्शिदों को और मजहबी आकाओं और मुल्लाओं को अपना रब बना रखा,
उन्होंने रब बना लिया। जिस तरह रब की बात पे तवज्जो करनी थी उन्होंने उनकी बात पे तवज्जो की, जिस तरह रब की इत्तबा करनी थी उन्होंने बंदों की इत्तबा की और रब बने। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वो उनके रब हैं। इस तरह अब भी इस उम्मत के तमाम फिरक ने अपने अपने रब बनाए हुए और उनकी दावेदारी में लगे हुए, और वो रब तबाही का रास्ता उनके लिए घर पे रख है और उस रास्ते पे ये उम्मत अब चल रही है, लेकिन सोच नहीं रही, सोचने की तौफीक भी नहीं हो रही। उन्होंने सियासी मकासद और अपनी मनगढ़ंत बातों पे बुनियादें रख के उम्मत को पहले पहल दो टुकड़े किया। कुछ लोग अहले बैत की मोहब्बत में चले और राय हक से आगे निकले, और कुछ लोग अपने आप को सुनी कहकर असहाब के मुहिब बन रहे और अपने आप को तबाही और बर्बादी की घात कर दो के हो गए शिया सुनी। फिर सुनियों के चार फिर बन गए। फिरका जब एक बनता है तो वो बनता ही है अलग अलग से, वो चार बने शाफी हनफी अम्बली मालकी। इस्माइली इमामी ज़ैदी। अब उम्मत ने ये सोचा नहीं कि इस शजरे खबीज की बुनियाद किसने रखी है, क्यों रखी है क्या, जब हमारा अल्लाह एक, हमारा रसूल एक और आसमान से आने वाली हमारी हिदायत के लिए किताब एक, लड़ी क्यों मैं हूं। उसके बाद हर फिरके में फिरके बनते गए। आप यहां देख सकते हैं दो तो बड़े बड़े हमारे सामने हैं, देवबंदी बरेलवी और इस तरह दूसरे। फिर आगे निकले सिपा साफा, फिर निकले जमाते इस्लामी, ये सब आती है। इस तरह निकलते निकलते आज ये हालत है कि सियासी तौर पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते, मुल्क की खैर के लिए भी इकट्ठे नहीं हो सकते, मिल्लत की खैर के लिए भी इकट्ठे नहीं हो सकते। फैलाते सब अपने आप को आती है, उधर से भी है वो भी नहीं इकट्ठे हो सकते। इस्माइलियों के अलग इबादत खाने, इमामिया के अलग इबादत खाने, इबादत में भी नहीं इकट्ठे हो सकते। इधर देखो हर फिरके की अपनी अपनी मस्जिद, अपना अपना मदरसा, अपनी नमाज और तरीके अपने अपने, ख्याल अपने अपने, वडेरे अपने अपने हैं, अलग अलग वडेरे बनाए हुए हैं। अब एक इमाम जो अल्लाह भेजा था उसका तसव्वुर ही किया, हालांकि कायनात सारी उसे एक इमाम की मुक्तदी थी। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मौला कायनात ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, इब्राहिम कायनात की इंसानियत का मैं तुझे अब इमाम बनाता हूं। इब्राहिम ने दुआ मांगी वो मिन ज़ुर्रियती, मौला मेरी औलाद से भी इमाम बना दे। उनके बेटे इस्माइल को इमाम बनाया, इसहाक को इमाम बनाया, और इसहाक की औलाद से जनाब याकूब को इमाम बनाया, याकूब की औलाद से जनाब यूसुफ को इमाम बनाया। अब याकूब की औलाद से चलते चलते इमाम ईसा अलैहि सलाम तक ये सारे अंबिया अपने अपने अकवाम के इमाम। इब्राहिम की दुआ कबूल हुई और इस उम्मत को आखिरी इमाम इनायत किया गया, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मिला है कानून, मिला है जब इमाम भूला इमाम का कानून भी भूल गया। उम्मत को नए इमाम मिल गए, नए कानून मिल गए, नए दस्तूर मिल गए, नए तरीके मिल गए। अब उम्मत असल इमाम को भूली और इमाम के लाभ कवानीन और जाब्तों को भी भूली, याद भी नहीं है कि वो जाब्ता क्या है, कानून क्या है। प्यारे नबी,
इबादत करते रहो, बचने दो ताबूत, ताबूती की आदत से बचते रहो, ताबूती की आदत से बचते रहो। वो ताबूती की आदत जिनमें इंसानियत को अल्लाह बना दिया गया है, उन ताबूती की आदत से बचो। अब वो ताबूती की आदत पर इसराइल में आए तो उसे बंदा था, बंदे को अल्लाह का बेटा बना दिया, ईसा मरियम का बेटा था अल्लाह का बेटा बना दिया, मरियम और ईसा बंदे थे उनको अल्लाह बना दिया। ताबूती के आलात जब उनके अधाम पे छाए, तबाह हुई वो, बर्बाद हुए वो लोग। अब वही ताबूती के आलात इस उम्मत पे छाए, इमाम असल को भी भूले, किताबे असल को भी भूले, अपनी अपनी किताबें बगलों में उठा रखी, अलमारियों में बंद करके रखी, कुतुबखाने बना के रखी। ये फिका हंसी है, हम तो हंसी फिका हंसी को मानेंगे। उन्होंने कहा हम तो हमलिए बाबा अहमद बिन हम्बल की फिका को मानेंगे। मिसर वालों ने कहा हम तो शाफी है इमाम शाफी की फिका को मानेंगे। अफ्रीका के मुसलमानों ने कहा बाबा हम तो इमाम मालिक को जानते हैं, उसकी फिका को मानेंगे। और आज तक ख्यालात में तकसीम होती जा रही है, हकीकत में मर्द वो ताबूती ख्यालात है जो छा गए हैं उम्मत पर। और उसका नतीजा ये निकला, जब से उम्मत दो फिरकों में तकसीम हुई, और उसका नतीजा मुल्कों की तकसीम, और इस्लाम सत्वत इस्लाम की जोर और कमजोरी पर निकला। जब तक कौम एक थी, अल्लाह एक दार कुरान को मानते थे, उतने तक एक दारुल हुकूमत के ताबे मिस्र, फलस्तीन, ये लबनान और ये शाम, अफ्रीका तक, ये तुर्की और ये अफगानिस्तान, रूसी रियासतें, एक जमाना था एक खलीफा मुआविया बिन अबी सुफयान की हुकूमत थी इन सब, और एक जमाना था इन मुल्कों पे उस्मान इब्ने अफान की हुकूमत थी, और एक जमाना था इन इलाकों पे ईरान तक उमर बिन खत्ताब की हुकूमत थी। उस जमाने में कोई सऊदी अरब वजूद में नहीं था, मिस्र का नाम नहीं था वहां उस जमाने में। अल मुल्क लिल्लाह वल हुक्म लिल्लाह, ये दो चीजें, मुल्क भी अल्लाह का है, कितना वसी होता जाए मुल्क अल्लाह का, और कानून भी अल्लाह का। अमन भी दिया था बावजूद इस बात के कोई वसायल तरक्की के नहीं, आज वसायल भी तरक्की के हैं, लेकिन तनाजली बर्बादी तबाही उस वक्त हुई जब उम्मत के अकायद, उम्मत के आमाल, उम्मत के आइम्मा में फसाद पड़ा और उम्मत को तकसीम किया। जब उम्मत तकसीम हुई, मुल्क टुकड़े टुकड़े हुए, तबाह। ये जब ज्यादा मुल्क में सियासतदान बन जाते हैं, ख्याल मुकजाद रखने वाले, फिर उस मुल्क की खैर नहीं होती। इसका नतीजा पहले तरह सोच लो, पीछे को देख लो, अपनी तारीख को देखो। उम्मत में जब तक इख्तलाफ नहीं था, खलीफा उमर बिन खत्ताब, ईरान उनके माताब, मिस्र उनके माताब, फलस्तीन उनके माताब था, ये लबनान शाम उनके माताब थी, और जब खलीफा उस्मान बिन अफान था, ये काबुल तक और उसी रियासतों तक हुकूमत उनकी थी। खलीफा मुआविया बिन अबी सुफयान था, तो हुकूमत एक, मुल्क एक था। जब उम्मत टुकड़े टुकड़े हुई, तो मुल्क भी टुकड़े टुकड़े हुए, तबाह हुए, तबाह। अब तबाही आज तक उम्मत के जहनों में छाई हुई, जबकि मौलाए कायनात ने फरमाया, सोच लो एक कानून में हमने दिया तुमको कानून, हर उम्मत में हमने रसूल भेजा, उन रसूलों ने कहा ने बदल्ला अल्लाह की इबादत करते रहो, तुम्हारा मकसद अल्लाह की इबादत करना है। इबादत के जितने अकसाम है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, सच बोलना है, झूठ से बचना है, दगाबाजी से बचना है, सिदाकत, अमानतदारी, अदालत, इंसानियत, इंसाफ, इन चीजों पे चलते रहो, ये सारे इबादत के अकसाम है। दगाबाजी तो दगाबाजी से बचते रहो, लेकिन आज उम्मत के जहन में हमदर्दी निकल गई, इंसानियत निकल गई। मौलवी साहब के पास उम्मत का बचा हुआ माल ज्यादा हो गया, तो हर साल उम्र में चला जाता है। खान साहब के पास पैसे बहुत हो गए, वो हर साल उम्र में चला जाता है। कहते भाई मेरे, मैं गाली तो नहीं देता हूँ, मगर मैं इसको देख भी नहीं कहता, मैं कहता हूँ बड़ा जालिम है ये शख्स, जो हर साल हज पढ़ता है, हर साल उम्र में जाता है, बड़ा जालिम। अगर पैसा दिया था तो मौलवी ने एक बात सुना, इमाम बना लीला है, मजेदार बना लाला, वो पैसा मिल जाए।
دوسری ابھی کو غریب کو نہیں بنا دیا اس نے. سات غریب تھے مسکین تھے جن کے بچوں کے تعلیم کے پیسے نہیں تھے, گزارا مشکل ہو رہا تھا. اور گھر کے قریب, محلے کے قریب, شہر کے قریب ایسے بیمار لوگ بھی پڑے ہیں جن کے علاج کے پیسے ان کے پاس کوئی نہیں. مولوی کا ہاتھ مبارک, عمرہ مبارک, زمیندار صاحب کی یہ مسجد مبارک, مینار مبارک. زکات کا موسم آیا تو انہوں نے کہا مستحکام میں اور پانی مدرسے میں پہنچا رہا ہوں, ہر فرقے کے مدرسے میں زکات پہنچی. وہ محلے میں جو غریب پڑا ہے جس کے بچے تعلیم کا خرچہ نہ رکھنے کی وجہ سے جائر پڑ رہے ہیں, اور جو بیمار طرح طرح کے مر رہے ہیں ان کے پاس علاج کے پیسے کوئی نہیں. کائنات کے رب نے مکے میں اتاری دیا رہتے پیارے پیغمبر واسطے, بل قربا حق کا ہوں بل مسکین اب اپنا سبیل. سب سے پہلے آپ کو زمین کی حکمرانی کے طریقے سکھلائے جا رہے ہیں. اپنے قریبی رشتے داروں پر خرچ کریں. کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارا تو اپنے قریبی رشتے داروں سے بولنا بھی نہیں ہے جو ہم کرتا تھوڑی بٹے جبتی مومن ہوئے بڑا قریبی رشتے داروں پر بولنا ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو سے بڑے جبتی ہوئے. اللہ نے بلا امتیاز پیغمبر کو کہا وہاں سے رشیرت اکلک ربی, اپنے قریبی رشتے داروں کو باتیں بھی سنائے رکھو, ڈرائے بھی رکھو, ساتھ باتیں دل قربا حق کا اور اپنے قریبی رشتے داروں کے حقوق بھی ادا کرو. وہ حاجی صاحب جو اپنے بیٹوں کو زمین انتقال کر دیتا ہے, بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتا, کہتا ہے بڑا نیک نہ ہوئے ہاتھ ہاتھ بڑی بڑا بڑا نیک نہ ہے بڑا شیطان اور شیطان. جس نے رب کے قانون کو توڑا ہے اللہ کہتا ہے یوں اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے قرآن اور
को समझ आई अल्लाह की राह पे चले और कुछ लोग गुमराह हुए बर्बादी की राह चले। मसीहों के लड़ते फंदरों के फताना आगे बदलनों का जमीन, जरा अल्लाह की जमीन पे चल के तो देखो जहाँ जहाँ झुकलाने वाले लोग थे उस जमीन का हाजत क्या हुआ। ये भी इबरत की बात है, ये भी बड़ी इबरत की बात है। आज मुसलमान का अकीदा है मक्का के बाद मकाम दूसरा है बैतुल मुकद्दस। हर मोमिन के जहन में ये भूत सवार है और ये ख्यालात ताहूतों ने उनके जहन में बिठाए हैं, ताहूतों ने। हालांकि रब्बे कायनात ने साफ ऐलान किया इत्ताज़ना रब्बुक, तेरे रब ने ऐलान कर दिया है इस इलाके पे अल्लाह पाक कयामत तक यहूदियों को ऐसे लोग दिखाता रहेगा जो इनको पूरा अजाब चखाते रहेंगे, कभी अमन की जिंदगी यहाँ नसीब नहीं होगी। अब जनाब रब्बे कायनात ने जिस जगह को कुरान के लिए मुंतखब किया था उस जगह को भूला, मोमिन ने तीसरा मकाम दिया है, रब उसे दूसरा मकाम देता है। अल्लाह के हाँ इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका, बरकतों भरा घर मक्के ने खड़ा है, असल बरकत का मेहर और मक्का को घर है वो जगह। और दूसरा वो मकाम था जहाँ अल्लाह ने अपने नबी को कहा ए प्यारे नबी तू दुआ मांगता है कुल रब्बे अदखिलनी मुदखला सिदकियों व अखरिजनी मुखरजा सिदकियों वजअल्ली मिल्लतुका सुल्तानन नसीरा। ए अल्लाह मुझे सिदाकत के एक जगह से निकाल, सिदाकत और अमानत की दूसरी जगह में मुझे दाखिल कर। अब पैगंबर ने दुआ मांगी अल्लाह एक मकाम में सिदक से निकाल कर दूसरे मकाम सिदक में मुझे जगा दे, नबी ये दुआ मांगता है। अब पैगंबर ने दुआ मांगना मक्के में शुरू की थी सूरत मक्की, अल्लाह पाक ने मक्का जमीने सिदक से निकाल कर मदीना की जमीने सिदक में मोहम्मद को दाखिल कर दिया। अखरिजनी मुखरजा सिदक, मुझे सच्चाई के एक मकाम से निकाल व अदखिलनी मुदखला सिदक। कायनात में मुखरज सिदक भी एक है और मदखले सिदक भी एक है। इन दो मकाम के मुकाबले में किसका भी अकीदा खिलाफ है वो मोमिन ही कहा है, तो मोमिन ही कोई है। अल्लाह पाक ने साफ बताया एक है मुखरज सिदक, एक है मदखले सिदक। मुखरज सिदक मक्का है और मदखले सिदक मदीना तैयबा। वहां से इकरा बिस्मे रब्बी अल्लज़ी खलक शुरू हुई और ये वो मकाम है जहां अल्लाह ने मकाम अरफात में बदनी जिंदगी में अल्याम अकमल तो लकुम दीनकुम व अतमम तो अलैकुम नेमती व रदी तो लकुम इस्लाम दीना होता है। और आज तुम्हारा दीन कामल मुकम्मल हो गया और ऐलान हुआ दरवाजा नबूवत बंद हो गया और ये वो किताब तुम्हें मिली है। अल्लाह ने कहा फतम से मिल्लती उहिजा इलैक इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। ए प्यारे पैगंबर इस किताब को आप थाम के रखें अकीदा और अमल में, आप सीधे रास्ते पर हैं, गवाह अल्लाह गवाही दे चुका है कुरान में। अंदाजा करें प्यारे पैगंबर को अल्लाह पाक ने मंजिले सिद्क में उतारा और साथ लाए सिद्क दिया है और अल्लाह ने अपने नबी को भी फरमाया इस किताब को मजबूती से थाम के रखो। आज वो किताब कहां मजबूती से थामी गई, आज तो मुल्ला का अकीदा है वो कुरान हदीस के बगैर समझ नहीं आ सकता। जब तक इमाम की मजाक नहीं आएगी समय नहीं आएगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं नज़ल्ना अलैका अल-किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल-मुस्लिमीन। ये ऐसा कुरान हमने आप पर उतारा है जो तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हर मसले की इसमें मदाद है, जो मसले अल्लाह को मंजूर है, अल्लाह ने इंसानियत की कामयाबी का उन्हें मदार बना के रखा है, वो सारे मसले कुरान में और वादे तौर पर बयान हो चुके हैं तिबयानन लिकुल्लि शैइन। साथ अल्लाह ने कहा ये कुरान क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हुदन हिदायत। तीसरी बात फरमाई जब तक कायनात की इंसानियत इस हिदायत पे चलेगी रहमतन लिल मुस्लिमीन और बुशरा लिल मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए ये रहमत भी है, मुसलमानों के लिए ये खुशखबरी का जरिया भी। अब ये कुरान को अल्लाह ने वो मुकद्दस किताब दी, आज उम्मत ने इसको जनाजे पे रखकर इसका जनाजा साफ कर दिया। मुद्दा जब तक जिंदा था कुरान का मोहताज कोई नहीं था, कभी जुमा रख लिया जिंदगी कुरान के खिलाफ, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात, न कुरान का कानून घर में न जमींदारी में न दुकान में न तिजारत। कुरान का नामो निशान कानूनी हैसियत से मोमिन की जिंदगी में कोई नहीं, लेकिन कुरान अब उसका मोहताज बन के उठाया जा रहा है। कभी ऊपर पूरा कर चंदा वसूल किया, कभी सोबर में आज तक पढ़ पढ़ के जनाब सारी सफारिश से उसको जन्नत में मुर्गा के ख्यालात में पहुंचा दिया गया। कुरान इसलिए कह रहा है जब बंदा कुरान का मोहताज नहीं बना कानून का मोहताज, कानून उसके साथ कैसे चले। अल्लाह ने साफ बताया था नज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन व ला यज़ीदुज़ ज़ालिमीन इल्ला
अपनी निकली सूरत यासीन पढ़ा। पूरी उम्मत में मुल्ला ने मशहूर किया, बस जिसका सांस ना निकले तो बस ये सूरत यासीन पढ़ो, सांस निकल गई, मशहूर हो गए। ये जाट भी कहते, एक आदमी कह रहा था यार तुम्हारा अब्बा बीमार है, तुम्हें कभी कितने मौलवी आ गए तो कभी सूरत यासीन भी उसके सराहने में पढ़ी। मेरा अब्बा बीमार हुआ तो भाई काफिर को पकड़ के लाया मैंने पढ़वाई, तीसरी बार जब वो अभी पढ़ रहा था अब्बे का सांस निकल गया, जान छूटी गई। मेरा
नस्ल से बीमारों होता दी गई। और दूसरे तबके से पूछा, बाबा तेरी किताब क्या कहते हो? कहते हैं साडी किताब ही है, ये पैगंबर की बेटी को भी नस्ल नहीं दी गई। क्यों? वो जी पैगंबर ने फरमाया था, नानो माचर लंबिया इलानू रे तुम्हारा तरकना बहुआ सदका। हम अंबिया की जमात अपना वारिस किसी को नहीं बनाते हैं, जो भी हम छोड़ जाते हैं वो सदका। अल्लाह का कुरान कहता है, यूसी को मुल्ला की औलादे को मिलजा करे बिस्लो हज़िल उनसाय है। और आज तुम्हारी कानून अल्लाह का चलेगा, बेटी एक हो बेटी है, दो हो बेटी है, पांच हो बेटी है, आठ हो। औलाद का हिस्सा अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया बेटे बेटी का। और ये भी फरमाया, ला तब्दील अल कलिमात इल्ला अल्लाह, के आकामात को कोई भी तब्दील नहीं कर सकता। हकीकत ये है कि जो भी इस बात का कायल है कि पैगंबर की बेटी को विरासत नहीं मिली, चाचे को नहीं मिली, वो है का। एक तबके को कहते हैं दूसरे तबके वाले काम। अल्लाह का कुरान जो है वो सच्चा फैसला देता है, पैगंबर की बेटी हो पैगंबर की बीवी हो उन्हें हक के विरासत मिला। ये भी झूठा वो भी झूठा, ये भी काफिर वो भी काफिर हो, तो फिर एक दूसरे से लड़ना ही क्या है, मरना ही क्या है? हकीकत पे आओ, कुरान पे आओ, फिर फिरकावारियत को छोड़ो। और फिर फिरकावारियत के इमामों को छोड़ो जिन्होंने दीन को तकसीम किया, उम्मत को तकसीम किया, पांच तत्वों में बच जाओ और अपने आप को तबाही की घाट में मत उतारो। मुल्क को बर्बाद ना करो, मिल्लत को बर्बाद ना करो, छोड़ इस छह और चार के झगड़े को। एक अल्लाह को मांग, एक किताब को मांग, एक अल्लाह एक किताब एक काबा एक नबी हमारा आखिरी, सारी कायनात उस एक नबी की अब मुक्तदी बन के रहेगी, इमाम हो एक मोहम्मद, वो सारे दुनिया के बनाटू वीर ये हकीकत में मुरीद है उस मोहम्मद के, हकीकत में मुर्शिद हुई। मजादियों को छोड़कर हकीकत की तरफ क्यों नहीं आते? जब कलमा पढ़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कुरान तुम्हारे सामने है, अगर फिर भी तुमने किसी मुर्शिद की और की जरूरत समझिए तो तुम्हारा ईमान ही कोई। अब किसी की जरूरत नहीं, एक अल्लाह और एक किताब एक नबी एक काबा हमारे लिए कामयाबी का ये अजीम राज। और हम जब तक इस ख्यालात पे रहेंगे तो अल्लाह के हम जाएंगे ना ही रहेंगे तो रास्ते नहीं होंगे। इस तरह आज अजाब आ रहे हैं, ये अजाब हकीकत में हमारे हाथों की अपनी कमाई। अल्लाह कहते हैं ज़ारल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदी नास, ये दुनिया कायनात में फसाद जो जाहिर हो रहा है सब कुछ इंसान की अपने अकीदे व अमल का नतीजा। ये भी कोई तारीख है हमारी? कहीं तो हम मुसलमानों को जिंदा औरतों को बच्चों को मजदूरात को इकट्ठे मकान में जमा करके पेट्रोल डाल के आग लगा दी। वो दुनिया का भेड़िया कहता है कि ये मुसलमान जहाँ भी हो फसाद है इनमें, तो हकीकत है कोई नहीं, फसाद की बुनियाद ही है मुसलमान है। अंदाजा करो, ये कहता है जिसको महमूद गजनवी ने जिसके बाप दादों को खल्ले मारे थे यहाँ हिंदुस्तान में, इनके सोमनाथी बुतों को तोड़े, बुतखानों को उन्होंने तोड़ दिया था, जब गैरत थी, जिहाद था, हिम्मत थी, मुसलमान था, ये काफिर लड़ता था, जब ये मुस्लिम मुस्लिम ही नहीं रहा अब खले कर रहा इधर यहाँ खले कर फलस्तीन में देखो और अफगानिस्तान में देखो। अब मगरब का काफिर कहता है दहशत गर्द छोटा हो या बड़ा हो है तो दहशत गर्द ना। फलस्तीन में एक ही हार बच्चे को अस्पताल तक नहीं जाने दिया गया, वो रास्ते में सुसे 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 पर मर गया। जब ये बात पहुंची सारी कायनात में तो वो कहता है मगरब का भेड़िया, वो भाई दहशत गर्द छोटा हो या बड़ा, मुसलमान छोटा है तो दहशत गर्द है, बड़ा है तो दहशत गर्द है। तबाही बर्बादी जिल्लत क्यों आई है? इसलिए आई है कि तुम्हारा इमाम एक नहीं रहा, तुम्हारा असल में दीन एक नहीं रहा, शरीयत एक नहीं रही। वो काबे तुमने दो बनाए हुए हैं, काबा हला के ये कहीं नाबल है वो दिया लिन्ना से लल्लगी बेबक्का था मुबारक। अल्लाह कहते हैं पहला घर ये है और मुसलमान का अकीदा नहीं, पहला घर वो। फिर बंदे और अल्लाह के अकीदे में जब फर्क आ गया तो पता मुसलमान का है। ये ख्याल गलत को छोड़कर हकीकत कुरान पर जब तक मुसलमान नहीं आएगा और कितने फसाद के फिर का वारियत को नहीं छोड़ेगा उतने तक अल्लाह की जाने से कामयाबी नहीं आएगी। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे रखी है, समझ ले रखी है, हम फिर का वारियत से तौबा करने किसी फिरके में शामिल ना हो और हम मिल्लत के खैर खा बने, मुल्क के खैर खा बने, मिल्लत भी हमारी एक और मुल्क हमारा सारी कायनात। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।